बहुत सारे काम हम लोग करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती। पतंजलि में आपको पता है, अभी जैसे आदरणीय VC साहब ने कहा था कि हम लोगों ने अभी निदान के संदर्भ में सौमित्रीय निदानम के रूप में 6826 श्लोकों का 18 छंदों में नए ग्रंथ की रचना की। लगभग जब निदान की बात आती है तो हम देखते हैं 1500-1600 वर्ष पहले निदान का ग्रंथ था। बीमारियां रोग बढ़ गए, अलग अलग रोग हो गए। माधव निदान, माधव आचार्य के बाद में हंसराज निदान एक ग्रंथ है, वो भी संग्रह है। माधव निदान ने भी, माधव ने चरक सुश्रुत आदि आचार्यों को अनुसरण करते हुए कुछ रोगों का, उन्होंने नए रोगों का भी उसमें सम्मिलित किया। पर आप सबको बताते हुए हमारा विनम्र प्रयास है, हम कभी, मैं तो अपने आप को देखो, हमको तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं, कभी कभी लगता है हम एक्सपर्ट हैं किसके, ये हमको भी नहीं पता चलता। पर भगवान जहाँ लगा देते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, जब निदान की बात है कि ऐसे ग्रंथ की रचना होनी चाहिए, हमें इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है। प्राचीन आयुर्वेद के निदान शास्त्रों में लगभग वर्तमान के लगभग 225-23-24 रोगों का वर्णन है। लगभग हम लोगों ने 500 रोगों का पूरा वर्णन उस ग्रंथ में किया है। उसमें और थोड़ा काम है, उसको हम कर रहे हैं।